चलिए आगे बढ़ते हैं आज की एक बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इस्तीफे के बाद मिलिंद देवड़ा का बयान भी सामने आ गया है। उनका यह कहना है कि वो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। बड़ी खबर, मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि वो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और विकास के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। विकास का मार्ग पर जाता है, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास का मार्ग पर जाता है, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास का मार्ग पर जाता है, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास का मार्ग पर जाता है, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत विकास का मार्ग बताया है अपने नए मार्ग को मिलिंद देवड़ा ने। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ कनेक्ट है मुंबई में। मिलिंद देवड़ा के घर से हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई से कृष्णा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले हम जैनेन्द्र के पास चलेंगे। और जैनेन्द्र, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, जब से ये खबर हमारे सामने आई है लगातार आप उनसे बात कर रहे हैं, अभी आपके साथ कौन है और कांग्रेस की क्या ओवरऑल प्रतिक्रिया है इस घटनाक्रम पर? देखिए, इम्फाल में मेरे साथ गौरव गोगोई हैं, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं और कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं। गौरव, हम लोग इम्फाल में हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन मिलिंद देवड़ा ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विशेष रूप से मणिपुर में बहुत उम्मीद है। यहाँ पे पहले भी राहुल गांधी जी आए हैं, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, तो लोगों ने बहुत उम्मीद और हंसी के साथ और खुशी के साथ हमको दोबारा स्वागत किया है। ऐसे पल में मिलिंद देवड़ा जी का ना रहना उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के लिए एक उम्मीद का किरण बन चुका है। ये एक जन यात्रा है, ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि उन्हीं का नुकसान हुआ है। हम लोगों के बीच में हैं, लोगों की आवाज़ बनकर, विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल की आवाज़ बनकर हम पूरे देश को उत्तर पूर्वांचल की संदेश को पहुँचाएंगे। मिलिंद के इस्तीफे से आपको व्यक्तिगत तौर पर दुख है, क्योंकि आप सारे युवा नेता आपस में दोस्त भी हैं, और ऐसा क्यों है कि जितिन प्रसाद की बात कर लें, आरपीएन सिंह की बात कर लें और अब मिलिंद देवड़ा, कई और कांग्रेस के नेता बीते कुछ समय में छोड़कर जा चुके हैं पार्टी बीजेपी में और बीजेपी के सहयोगी दल में जा रहे हैं मिलिंद देवड़ा? देखिए, मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक हिस्सा हूँ। मैं उन महिलाओं जो खिलाड़ी हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है उनके पक्ष में बोलता हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी जो मणिपुर नहीं आते हैं और दूसरे जगह में जाके हॉलीडे मनाते हैं, उत्तर पूर्वांचल के प्रतिनिधि होने के नाते मैं इसके खिलाफ मैं बात अपनी रखता हूं। तो मेरे जैसे बहुत साथी हैं और हम जब सब एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, तो मुझे तो किसी प्रकार का दुख नहीं। मुझे लोगों से बहुत शक्ति मिलती है और शायद इसीलिए राहुल गांधी जी की यात्रा इतनी सफल रही है, क्योंकि लोगों की आशीर्वाद। सदा हुआ बयान दे रहे हैं जैनेन्द्र, यहाँ पर गौरव गोगोई, और उनकी बात से बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने इसकी प्रतिक्रिया रखी है। मुंबई में हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी हैं जो लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त वो कहां पर हैं और मिलिंद देवड़ा का इस वक्त उनके पास क्या ताजा अपडेट है। मिलिंद देवड़ा से जुड़ा हुआ राजेश जी, मैं मिलिंद देवड़ा के घर पे था, लेकिन अभी मिलिंद देवड़ा मुंबई के सिद्ध विनायक मंदिर पहुंचे और मैं भी वहीं पर मौजूद हूं। वो मंदिर के अंदर गए हुए हैं, वो गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने 55 साल का रिश्ता जो है कांग्रेस के साथ जो है तोड़ा है और अब शिंदे गुट में जा रहे हैं, शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, तो आगे सब कुछ अच्छा होना चाहिए, भगवान सब कुछ अच्छा करे, उनका जो राजनीतिक करियर है वो और भी आगे बढ़े, इसको देखते हुए सबसे पहले इस कदम को उठाने के बाद वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। जो सिद्ध विनायक मंदिर है मुंबई का, जो सभी नेताओं का जो पहला कदम होता है किसी शुभ कार्य के लिए वो सिद्ध विनायक मंदिर पहुंचते हैं, उसी के तहत जो है मिलिंद देवड़ा भी सिद्ध विनायक मंदिर पहुंचे हैं। वो मंदिर के अंदर मौजूद हैं और दर्शन करने के लिए गए हैं। इसके बाद उनके तमाम दिन भर के कार्यक्रम हैं, वो अपने दफ्तर जाएंगे, उसके बाद वर्षा बंगलो जाएंगे जहाँ
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर होंगे और वो पार्टी में प्रवेश करेंगे। तो ये दिन भर का उनका कार्यक्रम है। और फिलहाल मैं मिलिंद देवड़ा की बात करूं तो वो मंदिर के अंदर मौजूद हैं और गणपति बप्पा के दरबार में मौजूद हैं और उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही पूजा करने के लिए आए हैं कि आगे जो उनका करियर हो, राजनीतिक करियर, वो अच्छा हो। और शिवसेना में जाने के बाद, कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में जाने के बाद जो है उनके साथ सब कुछ अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है इस बात को, बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत धन्यवाद जैनेन्द्र आपका और राजेश आपका। मिलिंद देवड़ा के बयान पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बड़ी अपडेट, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि दक्षिण मुंबई सीट पर समझौता नहीं होगा, दक्षिण मुंबई सीट हमारी पार्टी के पास ही रहेगी। अब ये कहां रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है, सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे, कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सबू को बोलते थे, उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। वो सावन जी की सीट सावन जी के पास रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी, हम उसका ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। मजबूत यहाँ पर पक्ष रखा संजय राउत ने, उन्होंने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा दक्षिण मुंबई सीट पर। इधर मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि कांग्रेस में कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। विडंबना देखे, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। यही कांग्रेस दल ने 22 जनवरी के हमारे रामलल्ला के निमंत्रण को नकारा। ईश्वरीय दंड कहे या विधि का विधान कहे, अब कांग्रेस नेता, इनके घर के लोग इन्हें नकार रहे हैं। अब कांग्रेस दल एक ऐसी नाव बन चुका है कि जिसका डूबना सुनिश्चित है। बीजेपी की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है इस राजनीतिक घटनाक्रम पर। बड़ी खबर है, आज से राहुल गांधी अपनी यात्रा का आगाज करने वाले हैं। दिल्ली से मणिपुर के लिए राहुल गांधी रवाना भी हो चुके हैं। आज इम्फाल से राहुल गांधी न्याय यात्रा का आगाज करेंगे। राहुल की यात्रा का समापन मुंबई में होगा। राहुल की यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, आज से इसकी शुरुआत। तस्वीरें देखिए आप, कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को भी आप देख सकते हैं इस फ्लाइट में, इस केबिन में आप देख सकते हैं खेड़ा और ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं का ही बहुमत है इसमें। दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट, इमरान प्रतापगढ़ी को भी आप देख सकते हैं। उड़ान भरने के दौरान कांग्रेस नेताओं का ये वीडियो सामने आया है, इसमें वो न्याय यात्रा के बारे में नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता आप देख सकते हैं इस फ्लाइट के केबिन में। राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, इन सबको आप देख सकते हैं। कई बड़े नेता इम्फाल पहुंच चुके हैं कांग्रेस के। जयराम रमेश ने कहा है कि ये यात्रा विचारधारा की लड़ाई पर है। आज इम्फाल से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है वो बहुत अहम है कांग्रेस के लिए और उस पर जयराम रमेश एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। ये जो यात्रा आज से शुरू हो रही है, क्या उद्देश्य है? और आप बार बार कह रहे हैं कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, क्यों, कैसे ये चुनावी यात्रा नहीं है और क्यों ये चुनावी यात्रा नहीं जबकि 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने? ये वैचारिक यात्रा है। संगठन हमारे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, हम एक राजनीतिक पार्टी है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मकसद राजनीतिक मकसद भी है पर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं बन सकते, हमें विचारधारा की लड़ाई भी लड़नी है। बीजेपी आरएसएस के साथ विचारधारा का मुकाबला हमें करना है। उसको लेते हुए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, भारत जोड़ो यात्रा के समय, करीब 6 महीने एक समय अलग अलग राज्यों में, 12 राज्यों से हम गुजरे। वहाँ राहुल जी ने खूब बात की, संविधान की बात की, स्वतंत्रता की बात की, बंधुता की बात की, समता की बात की। अब मौका है न्याय के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री तो सबको अमृतकाल की सुनहरे सपने दिखा रहे हैं पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पिछले 10 साल ये अन्याय काल निकला है।
जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ते हैं, इस यात्रा के राजनीतिक उद्देश्य भी हैं, लेकिन मूल रूप से ये एक वैचारिक यात्रा है। आज से मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, उसका आगाज हुआ है और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी हमें मिली हैं। ये देखिए आप, एक देवस्थल पर कैसे उन्होंने झाड़ू लगाया और सीढ़ियों को वहाँ की साफ किया। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि किया जाए, प्रधानमंत्री के आह्वान पर बीजेपी ये स्वच्छता अभियान चला रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर की सीढ़ियों की सफाई की हाथ में झाड़ू लेकर और उसी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अन्य राज्यों में भी नेताओं ने इसी प्रकार से तीर्थ स्थलों की पोंगल और चौथे दिन कन्नम सीधी तस्वीरें से मनाया जाता है। भाव यही है कि गौ पूजा करते हुए पोंगल के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र का अन्नदाता है किसान, सीधी तस्वीर है, उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, इसीलिए कृषि से संबंधित तमाम जो अहम कारक है, गो पूजा करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक वेशभूषा में दक्षिण भारतीय धोती पहने हुए पोंगल मनाने पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए इस उत्सव में एल मुर्गन के आवास पर इस वक्त जो समारोह चल रहा है पोंगल का, जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसी में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपने देखा जो रिचुअल्स हैं इस पर्व के, उसको भी मना रहे हैं वो, हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार करते हुए। आप सभी को पोंगल के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इनिय पोंगल नल्ला अळतुक्कल पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। कल ही देश ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया है। कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं, कुछ लोग शायद कल मनाएंगे। माघ बिहू भी बस आने ही वाला है। मैं इन सभी पर्वों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यहां मुझे मेरे कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हम सब तमिल पुथांडू के अवसर पर यहां मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, उन्होंने पोंगल की शुभकामनाएं भी दी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।